फ्रेंड्स, चलते हैं हमारे फर्स्ट वर्ड पर जो कि स्पोकन इंग्लिश में बहुत यूज हो रहा है आजकल। और हमारा फर्स्ट वर्ड है VACAY। अब इसका उच्चारण क्या है? इसका प्रोनंसिएशन है वेके। क्या कहा मैंने? वेके, वेके। अब वेके क्या होता है? आपने जरूर वोकेशन वर्ड सुना होगा अपनी लाइफ में। वोकेशन क्या सुना आपने, बताएं मुझे? वोकेशन। और ये जो वेके है, ये इसी का ही एक छोटा रूप है। वेके मींस वोकेशन। मॉडर्न इंग्लिश में, स्पोकन इंग्लिश में बहुत आजकल ये चल रहा है वेके। पर हमें एग्जाम्पल चाहिए ताकि हम इस शब्द को कभी भूल ना पाए। एग्जाम्पल्स आर रियली अ मस्ट। ओके, तो हमारी फर्स्ट एग्जाम्पल है, हम ये कह सकते हैं, वी वेंट टू बाली ऑन समर वेके। वी वेंट टू बाली ऑन समर वेके, जिसे हम कह देते हैं समर वेकेशन। गर्मी की छुट्टियां समर वेकेशन बोल देते हैं। आप उसे स्पोकन इंग्लिश में समर वेके कह सकते हैं। समर वेके मींस समर वेकेशन। हम बाली गए समर वेकेशन पर। तो अब आपको क्लियर हो गया कि वेके का मतलब क्या है? वेकेशन। ओके स्टूडेंट्स, एक और एग्जांपल करते हैं वेके की। तो हमारे पास शब्द है वेके। लेट्स हैव वन मोर एग्जांपल। तो आप ये भी कह सकते हैं, मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं यहां पर, दिस होटल इज अ नाइस प्लेस, दिस होटल इज अ नाइस प्लेस फॉर, दिस होटल, ओ इसे होटल कहना है ना कि होटल। पंजाबी हिंदी में होता है होटल, बट व्हेन इट कम्स टू इंग्लिश यू आर सपोज टू से, आपने क्या कहना है? होटल। This hotel is a nice place for family vacation. तो family vacation के लिए ये hotel एक अच्छी जगह है। This hotel is a nice place for family vacation. जितनी examples आप करेंगे उतना आपको ज्यादा क्लियर होता जाएगा। So आज हमने सीखा vacation. Vacation means vacation.